तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राहुल ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं इस समय न्योड़ा में, ये ब्लॉक 101 नंबर पेटीएम बिल्डिंग के पास। तो यहाँ पर आज रंगारंग कार्यक्रम है होली मिलन पे। तो यहाँ पर पेटीएम बिल्डिंग पे सेकंड फ्लोर पे है यहाँ पर। तो इस समय हम न्योड़ा पहुँच गए, लगभग सुबह के बज चुके हैं 10:45। तो अब चलेंगे अंदर, बाइक हमने बाइक लेके बिंदा गया है, अभी आ रहा है तो खड़ी करके फिर चलते हैं ऊपर की तरफ दोस्तों। तो आज देखते हैं कौन कौन से सिंगर यहाँ पर हैं। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना वीडियो को पसंद आती है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अंदर। दोस्तों, मेरे पास राकेश भाजी मिले हैं, राकेश टमटा जी। तो इनके गीत भी आपने सुने होंगे और ये हमारे गाँव के हैं, और आज भाजी से भी मुलाकात हो गई है। मैं इस समय आ रखा हूँ न्योड़ा प्रोग्राम में, तभी वहाँ पर 2 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, अभी तो 12 बज रही हैं। तो मैं भाजी के ऑफिस में आ गया, ऑफिस में बैठे हैं और चाय पानी हमने भाजी के साथ पी। तो भाजी हमारे गांव साइड के, और भाजी से भी मुलाकात होकर बहुत खुशी होगी, नहीं तो भाजी के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। आज तो मैंने जब फ़ोन करा तो मिल ही गए, वो भी जबकि ऑफिस यहीं पता इसलिए मिल गए, नहीं तो नहीं मिलती। तो भाजी से कुछ जानकारी भी लेंगे और भाजी से बात भी करते हैं। भाजी नमस्कार। नमस्कार हमारे गीत, और भाजी गीत भी बहुत बढ़िया गाते हैं, ज़बरदस्त गीत गाते हैं। और भाजी कम दिखते हैं ना उसे चैनल, सोशल मीडिया पर कम रहते हैं ना, मगर गीत बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, गाने भी आ रखे होंगे काफ़ी गाने। तो भाजी हमारे YouTube फैमिली का आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप ऑफिस में बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो हमारी YouTube फैमिली है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, और बहुत अच्छा काम करें जीवन भाई। और सबसे मैं अपील करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति दिखाते रहते हैं और लगातार कुछ ना कुछ जाते रहते हैं हर हफ्ते महीने में उत्तराखंड में। तो बहुत बड़े करें जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजी हमारे यूट्यूब फैमिली ना आपके गीत सुनना चाहते हैं, वो भी बेताब है आपके गीत सुनने के लिए और आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब है। एक बार आप दो लाइन हमारे यूट्यूब फैमिली को ज़रा सुना सकते हो? तो मैं राकेश भाई के ऑफिस आया था, तो ऑफिस में जो शोर शराबा हो रहा था, ऑफिस में अच्छा नहीं था, इसलिए हम आ चुके हैं पार्क में। तो भाजी से मैंने कहा था 2 शब्द हमारे यूट्यूब फैमिली को गीत सुनाने के लिए, तो भाजी हमारे यूट्यूब फैमिली को 2 लाइन सुनाएंगे जी। जमल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आप आए और बहुत बढ़िया लगा मुझे। और सबसे पहले आपकी जो यूट्यूब फैमिली है, आपके जितने भी श्रोता हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि जो जमल भाई का जो यूट्यूब चैनल है रावत ब्लॉग्स, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आज जमल भाई यहाँ पे नोएडा में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जमल भाई आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाजी हमारे यूट्यूब फैमिली को ना 2 लाइन सुना दो जरा गीत के माध्यम से। तो गीत मैं सुना देता हूँ आपको, आज जैसे अभी होली का ये समय आ रहा है जी, तो होली पे मैं एक गीत सुना देता हूँ आपको। चली बसंती बयार आई फूलुमा फुलार, चली बसंती बयार आई फूलुमा फुलार, भौराली गेनी फूलुकुरस चोरी की, रंग रंगीली रंग रंगीली बहार गे होली की, रंग रंगीली रंग रंगीली बहार गे होली की, रंग रंगीली। और एक दूसरा गाना है जो हम गांव में गाते थे जी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई फुलवारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई फुलवारी, काहे को तेरो रंग बनत है, काहे की तेरी पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई फुलवारी, लाल गुलाल को रंग बनत है, लाल गुलाल को रंग बनत है, हरिया बास की पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। अरे भाजी आपका जो गीत आ रखा ना,
मेरे यूट्यूब फैमिली उसको सुनना चाहते हैं कि आपका कौन सा गीत आया। जी गीत तो मेरा भी एक रिसेंटली नागदेवगढ़ी का एक भजन आया था और एक भैरवगढ़ी का भजन मैंने गाया था। तो नागगढ़ी पे हो जाए जरा, तो दो लाइन ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में। जी नागदेवगढ़ी जो हमारा मंदिर है चेलुसैन में, कम से कम 100-150-300 बहुत सारे गांवों का एक आस्था का प्रतीक है, आस्था का एक केंद्र है। तो उसके लिए मैंने एक भजन बनाया था और वो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया जी। तो हे बाबा नगद्यो देवता भगत श्री गंगा गिरी देणु होई जय, देणु होई जय बाबा देणु होई जय, देणु होई जय हे बाबा देणु होई जय, हे बाबा नग दियो देवता भगत श्री गंगा गिरी देणु होई जय, ऊंची भूमि थान बांजे डाली छेल रौसलियों को बोण बाबा पौन पंछी गेले, चौदिसू मा तेरी छत्र छाया रेंदी बाबा आशीष दे हे बाबा आशीष दे, हे बाबा नग दियो देवता भगत श्री गंगा गिरी देणु होई जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राकेश टमटा जी, जिनके सुंदर सुंदर भजन और गीत आ रखे हैं। बहुत चैनल पर इन्होंने गीत भी गाए, हमारे चैनल पर भी एक गीत आ रखा है उनका, आप ज़रूर सुन सकते हो राउत ब्लॉग पे। और हमारे साथ ना एक भाजी हो रहे, उनका भी दो कवि हैं, हिंदी कवि हैं, और तो उनसे भी बात करते हैं भाजी से। भाजी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है भाजी आपका? चंदन प्रताप सिंह। कहाँ से हो भाजी आप? मैं मेरा वैसे जिला पड़ता है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जी। और मेरा गांव जो है वो तहसील पट्टी और गांव का नाम है कंजासराय गुलाम जी। तो मैं यूपी के उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर गंगा माँ साक्षात विराजमान है, जहाँ पे जहाँ से पूरी धरती को पावन करती हैं, ऐसी भूमि से मैं बिलोंग करता हूँ जी। तो वैसे आप करते क्या हो? मैं यहाँ पर वैसे तो फाइनेंशियल मार्केट में हूँ जी, और मैं यहाँ पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर हूँ जी। और वैसे मैं अपने बचपन के शौक़ को लेकर के अभी आगे बढ़ता रहता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। मेरा हिंदी में कविताएं मैं लिखता हूँ। अच्छा। और मेरी तीन जो कविताओं की बुक है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कितने प्रोग्राम करे होंगे स्टेज प्रोग्राम अभी तक? अभी तक मेरे ख्याल से मैंने करीबन 20-25 कार्यक्रम किए होंगे, शायद इससे ज़्यादा ही किए होंगे। अच्छा। मैं अलग अलग चैनल्स पे भी जाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे बुलावा आता रहता है जी। तो बस माँ हिंदी की सेवा में अभी लगा हुआ हूँ, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, तो मैं उसमें तत्परता से अपना। चंदन जी की किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। अच्छा, किताब भी लिखी आपने? हाँ, मेरी तीन किताबें प्रकाशित हो चुकी। तो है भी आपके पास किताब? अभी तो नहीं है, लेकिन वो notionpress.com जो हमारा प्रकाशक है जी, उस पर जा करके मेरा सिर्फ नाम आप टाइप कर देंगे वहाँ पे, चंदन प्रताप सिंह लिख देंगे जी, तो मेरी तीनों बुकें आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। अच्छा, एक काम आप हमारे लिए भी हो जाए फिर। जरूर जरूर। तो हमारे YouTube फैमिली को जरा कुछ सुनाना चाहते हो आप, दो शब्द? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होली का त्यौहार है जी, रंग और गुलाल है जी, तो ऐसे में मैं अपनी लिखी हुई एक कविता आपको प्रस्तुत कर देता हूँ जी। और कविता है, सेमर का फूल धरा पर, सेमर का फूल धरा पर जब मखमल सा बिस जाता है, झड़ते पत्तों से धरती का जब रंग हरा हो जाता है, जब धीरे से नयन पटल पर चेहरा तेरा दिख जाता है, मन होली हो जाता है, तन तन होली हो जाता है, मन होली हो जाता है, तन तन होली हो जाता है, जब पलाश के फूलों से आच्छादित आसमान हो जाता है, जब हवाओं से फागुन का हल्का महक घुल जाता है, जब श्रृंगार से सज कर बयार तन को छू जाता है, ये चंदन होली हो जाता है, कणकण होली हो जाता है, ये चंदन होली हो जाता है, कणकण होली हो जाता है। और अभी रावत जी, राकेश जी ने अभी एक गाना गाया था, चली बसंती बयार आई फूला मा फूलार, तो चार लाइनें ये अभी गाएंगे और इस पर एक रैप सॉन्ग मैं गाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। एक बार इसको पहले प्लान भी किया था पिछली होली में इस तरह से। अच्छा, तो मैं गढ़वाली में गाऊंगा और ये हिंदी में उसको रैप गाएंगे। चलो ठीक है, अब बोलो। चली बसंती बयार आई फूलुमा फुलार, भौरा लिगेनी भौरा हो, भौरा लिगेनी
फूलों को रस चोरी की रंग रंगीली रंग रंगीली बहार गे होली की रंग रंगीली। अरे तू फूलों की घाटी की मैं छोरा गंगा घाट का, साथ कभी ना छोड़ूं तेरा पक्का हूं मैं बात का। तू हरियाली की रानी मैं राजा खेत खलियान का, रंग जीवन में भर दूंगा मैं तेरे हर अरमान का। गोरी तेरे हर अरमान का, छोरी तेरे हर अरमान का, सररररररर जोगीरा सररररररर जोगीरा सरर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 
रंगून तेरी कोरी जी कुड़ी रंगे दियूं लाल बुरास का फूलून तेरी स्यूंदी पाटी सजे दियूं दे दियूं सैरी जिंदगी निचोड़ी की रंग रंगीली होली रंग रंगीली बहारे गे होली की रंग रंगीली बहारे गे होली की रंग रंगीली हैप्पी होली हैप्पी होली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आ गया और जब कोई भाई बंद मिलती है ना तो ऐसा ही आनंद आता है। जब कोई टीम मिल जाती है बहुत सुकून भी आता है और म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि जो दिल को झंझोर देता है। और भाई से भी मुलाकात होगी, पहले जहाँ जहाँ भी जाते रहते कोई ना कोई भाई बंद जरूर मिल जाता है। यही होता है हमारे यहाँ कौतिक मेला लगता था भाजी, तो कौतिक मेले में ऐसे होते थे मैके के लोग आ जाते, ससुराल के आ जाते थे, ऐसे मुलाकात होती थी। तो हमारी भी ऐसे मुलाकात हो रही है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपसे भी मुलाकात है, भाजी से भी मुलाकात है, नहीं तो भाजी के वहाँ पर टाइम नहीं होता था। एक दूसरे से ही लिंक बनता है ना भाई। आपके सभी व्यूवर्स को मैं हैप्पी होली कहना चाहूँगा और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। हैप्पी होली। आप रावत भाई का चैनल जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमेशा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं और आप लोग देखते भी रहते होंगे और ऐसे ही ये काम करते रहें, इनका हौसला बढ़ता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मेरे बारे में भी कुछ कहिएगा और मेरे बुक को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे भाजी ने एक तो मुझे ना अफसोस हो रहा, देखो बाहर के लोग भी हमारी गढ़वाली भाषा कैसे पकड़ लेते हैं। भाजी ने गीत गाया था सर, भाजी ने जल्दी से उसको पकड़ लिया था होली एक गीत पे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ठीक है वही प्रोग्राम में। बाय बाय।